आपने देखा ही होगा कि इस फेस्टिव सीजन कितने सारे धमाकेदार स्मार्टफोन लॉन्च हुए और इतने सारे फोन्स लॉन्च हुए कि आज आप खुद कंफ्यूज हैं कि इनमें से कौन सा लिया जाए। पर आपको बता दूं कि फेस्टिव सीजन जो देखने को मिला वो तो था ही, लेकिन साल खत्म होते होते भी आपको कुछ ऐसे बेहतरीन स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे जिनकी वजह से आप शायद थोड़ा और कंफ्यूज हैं। जी हाँ, नवंबर 2019 शुरू हो चुका है और इस महीने भी कुछ बेहतरीन स्मार्टफोन्स आने वाले हैं, तो चलिए उन फोन्स पर अब नजर डाल लेते हैं। अब सबसे पहले आपको बता दूं कि नवंबर के महीने रियलमी अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। जी हाँ, कंपनी ने एक मीडिया इनवाइट शेयर किया है जिसमें कंपनी ने मेंशन किया है कि 20 नवंबर को एक इवेंट करेगी कंपनी और एक नया स्मार्टफोन लेकर आएगी। हालांकि कंपनी ने फोन का नाम नहीं बताया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पता चलता है कि ये फोन X2 Pro होगा। जी हाँ, ये फोन वही है जो कि Qualcomm Snapdragon 855 Plus चिपसेट के साथ आता है और ये Redmi K20 Pro का कॉम्पिटिटर साबित होगा। इस फोन में आपको मिलेगा 6.55 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला AMOLED डिस्प्ले, आपको 64 मेगापिक्सल रियर कैमरा तो मिलेगा ही, साथ साथ इसमें दी जाएगी 4000 mAh की बैटरी जिसमें 50 वॉट की चार्जिंग भी दी जाएगी। ऑनर के पॉपअप कैमरा वाले स्मार्टफोन 9X को लेकर पिछले काफ़ी लंबे समय से चर्चा हो रही है कि ये फोन अब लॉन्च होगा। अरे अगले महीने लॉन्च होने वाला है, अरे लॉन्च डेट आ ही गई यार, पर भाई कब लॉन्च होगा कुछ कंफर्म नहीं हो पाया था। लेकिन इस फोन को लेकर अब एक खबर आई है जिसके अनुसार माना जा रहा है कि नवंबर के महीने ये फोन आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ, ये खबर अब काफी हद तक सही है, हो सकता है कि अभी भी शायद कंपनी डिले कर दे, बट हमारे हिसाब से इन्फॉर्मेशन काफी हद तक सही है। 9X नवंबर के महीने आपको देखने को मिल सकता है। कंपनी 9X के साथ 9X Pro को भी पेश कर सकती है। दोनों ही फोन्स में आपको 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल जाता है और साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, यानी इधर बॉडी के साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी दोनों में मिल जाता है। Vivo V17 Pro को भले आपने एक्सपेंसिव समझ के ना लिया हो, लेकिन आपको बता दूं कि वैसे इनोवेशन वाला फ़ोन अब आपको थोड़े कम रेंज में भी मिल जाएगा। जी हाँ, खबर आई है कि कंपनी V17 नवंबर के महीने लॉन्च कर सकती है, जो कि V17 Pro का एक छोटा सा वेरिएंट होगा। हालांकि इसमें आपको सेम स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं, यानी कैमरा, डुअल पॉपअप, डिज़ाइन भी सेम मिल सकता है। फ़र्क यहाँ पे रैम स्टोरेज और प्रोसेसर का हो सकता है, जैसे कि हमने V15 और V15 Pro में डिफरेंस देखा था, प्रोसेसर और रैम स्टोरेज का फ़र्क था। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि नवंबर के महीने ये फ़ोन आपको देखने को मिल सकता है। आज अगर 10,000 के अंदर के प्राइस रेंज की हम बात करेंगे तो Realme 3i एक बहुत ही शानदार स्मार्टफोन साबित होता है। हालांकि इसके दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी हैं, वो भी काफ़ी पावरफुल है, लेकिन Realme की ओर से देखा जाए तो Realme 3i एक बेस्ट फ़ोन है इस प्राइस रेंज में। पर आपको बता दूं कि Realme 3i को रिप्लेस करने का टाइम आ चुका है। जी हाँ, पिछले काफ़ी लंबे से चर्चा हो रही है कि कंपनी X2 Pro के साथ Realme 5s भी लेके आ सकती है, जो कि Realme 3i का रिप्लेसमेंट होगा। हालांकि अभी तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है और ये भी मालूम नहीं पड़ा है कि डेफिनेटली लॉन्च किया जाएगा नहीं, पर ये सिर्फ अभी र्यूमर के तौर पे सामने आया है। और अगर ये फ़ोन लॉन्च हो गया तो मैं यहाँ पे दावे के साथ कह सकता हूँ कि Xiaomi को काफ़ी यहाँ पे झटका लगने वाला है। तो ये थे कुछ स्मार्टफोन जो कि आपको नवंबर 2019 में इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे स्मार्टफोन हैं जो कि पेश किए जाएंगे, पर फिलहाल ये टॉप फोन्स हैं जो कि हमने आपको बताए। अगर इन फोन्स के अलावा भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो इंडिया में लॉन्च होंगे, मैं आपको उनके बारे में ज़रूर बताऊंगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, वहां पे पढ़ पाएंगे। पर अगर आपको इन फोन्स के बारे में डिटेल चाहिए तो आप मुझसे प्लीज़ चैट कीजिए, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम वहाँ पे वार्तालाप करेंगे। और हमेशा की तरह अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।